हेलो ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया हैं। इस वीडियो में तीन ऐसी बातें बताऊंगा जो हम लोग गलतियां करते हैं और जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप आज नहीं तो कल टूट जाता है। इन तीन बातों को, इन तीन बिहेवियर को अगर आपने अवॉइड किया तो आपका रिलेशनशिप सुपर स्ट्रांग बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उनसे पहले जितने भी नए सब्सक्राइबर्स इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लायक समझा। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए। और काफ़ी सारे वीडियोस मैं प्लान कर रहा हूँ, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें, यूट्यूब पर कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत कुछ मैं इस चैनल पर बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टिप नंबर वन, रिलेशनशिप में खुद को बदलो मत। आप जैसे हो वैसे रहना। किसी के प्यार को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खुद को बदल लेते हैं इनिशियली, और जब रिलेशनशिप रोलिंग होने लगता है धीरे 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 धीरे, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद हम लोग अपने पुराने सेल्फ में वापस चले जाते हैं, पुराने जैसे हम लोग थे। रिलेशनशिप के लिए हमने खुद को बदला था, अब रिलेशनशिप तो हो गया, हम लोग भी वापस आ गए उस स्टेट में। जो सामने वाला पार्टनर है आपका, उसने तो इस आदमी से प्यार नहीं किया था, उसने प्यार किया था जो बदल के बना था। उसके बाद क्या होता है ना, झगड़े शुरू हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए लगता है कि किसी के प्यार को पाने के लिए खुद को बदलो मत। आप जैसे हो वैसे ही अगर कोई आपसे प्यार करेगा तो प्यार करेगा, अगर आपको बदल के प्यार करेगा तो प्यार नहीं, सौदा करेगा। आपको पता है ना। सो टिप नंबर वन, खुद को बदलो मत, जैसे हो वैसे रहो। टिप नंबर टू, नेवर टेक योर रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। अपने रिलेशनशिप को ग्रांटेड मत लो। हाँ, आपका पार्टनर हमेशा रहेगा ही आपके साथ, आप दोनों में इतना गहरा बॉन्डिंग है कि अब जिंदगी में कभी ये रिलेशनशिप टूट नहीं सकता। इसीलिए आपकी जैसी मर्जी वैसे आप चलना शुरू कर दिए, जैसे मर्जी वैसे बिहेव करना शुरू कर दिए, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा तो एकदम मुंह पे मुंह उठा के बोल दिए कि तुम गलत हो, ठीक है, वैसे नहीं करना है। वैसे करेंगे ना तो धीरे धीरे रिलेशनशिप कड़वा होने लगेगा, कड़वाहट आ जाएगी, और ये कड़वाहट बाद में इतनी बढ़ जाती है ना, तोड़ के ही मानती है रिलेशनशिप को, ठीक है। तो इसीलिए टिप नंबर टू इज कि डोंट टेक योर रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। क्या करना है आपको, आपको केयर करना है, दिखाना है, अगर प्यार करते हो तो उसको शो करना है। अगर दिन में 2 बार वो कॉल कर रही है तो 1-2 बार आपको भी कॉल कर लेना है, खुद से मैसेज करना है, बर्थडे पे उसको स्पेशल फील कराना है, ठीक है, घूमने जाना है बाहर, टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अपने पार्टनर को समझना है कि उसका नेचर क्या है, क्या वो फ्रीडम पसंद करती है, क्या वो पोजेसिव है, क्या वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है या अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो उसको एकदम मुँह पे मत बोलो, सामने बैठ के डिस्कस करो, हमेशा उसकी गलतियाँ मत निकालो। अगर ये सारी चीज़ें आपने करी तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि हाँ, मेरे भी इज्जत है, मेरे को इज्जत दे रहा है तो मुझे भी इज्जत देना चाहिए, और उसके बाद रिलेशनशिप आपका अच्छा चलेगा। ट्रस्ट मी, डोंट टेक योर रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड कि ये कभी टूट नहीं सकता। हो सकता है कि आज आप दोनों में बहुत प्यार है लेकिन 6 महीने बाद की स्टोरी कुछ और हो सकती है। सो यू नेवर नो what is waiting for you in the future and for your relationship, ठीक है। Third tip, last but not the least, it is also very important tip, तो इसको ध्यान से सुनना।
खुद को हमेशा अवेलेबल मत रखना। जितना ज्यादा आप अवेलेबल रहोगे ना, जितना ज्यादा आप हाजिर रहोगे हमेशा उसके लिए, आप करो उसके लिए, ठीक है, उसको स्पेशल फील कराने के लिए आप बर्थडे पे उसको अच्छी जगह पे सरप्राइज दिए, मॉर्निंग मैसेजेस एवरीडे, ठीक है, अच्छी बात है, करो, लेकिन एक लिमिट तक। ये लिमिट आपको तय करना है, कितना लिमिट होगा ये आपको तय करना है। पता है इससे प्रॉब्लम क्या होगी? मान लो कि आप 24 घंटे अवेलेबल हो उसके लिए, कभी भी उसका फ़ोन आता है, उसका फ़ोन ट्रू कॉलर में देखते हो कि उसका फ़ोन आ रहा है, खुद से कॉल कर देते हो, हाँ जान क्या हुआ बताओ, उसके फ़ोन करने से पहले आपने कॉल कर दिया, उसके मैसेज करने से पहले आपने मैसेज कर दिया, दोनों कहीं पे मीट करने वाले थे, उसके पहुंचने से पहले आधा घंटा पहले आप पहुंच गए ताकि उसको एक सेकंड के लिए भी वेट ना करना पड़े। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करो, लेकिन इससे क्या हो रहा है ना, एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही हैं, उम्मीद कि हाँ वो तो मेरे लिए हमेशा ही रहेगा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है कि वो मेरे से पहले पहुँच चुका होगा, उसने मूवी की टिकट्स ले ली होंगी, ठीक है, बाई चांस अगर आप लेट हो गए ना उस दिन, तो भैया उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा और झगड़े शुरू हो जाएंगे, वो नहीं समझेगी कि आपका किस वजह से लेट हुआ, कि आप ट्रैफिक में फंसे थे या फिर क्या आप क्लाइंट को लेके बिजी थे किसी और काम में, नहीं समझेगी वो, इसकी रीज़न आप है, आपने उसकी उम्मीदों को हद से ज़्यादा बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो पहला टिप, खुद को बदलो मत। दूसरा टिप, रिलेशनशिप को ग्रांटेड मत लो, अपना एफर्ट हमेशा देना अपनी तरफ से, चाहे रिलेशनशिप की शुरुआत हो या 2 साल हो चुके हों, 4 साल हो चुके हों, एफर्ट हमेशा देना। तीसरा, एफर्ट इतना भी मत देना कि 24 घंटे आप अवेलेबल हो उसके लिए, उसकी उम्मीदों को आप बढ़ाते जा रहे हो, उसकी ये भी आपको समझना है कि उसके पार्टनर के उम्मीदों को कैसे ग्राउंडेड रखना है, उतना ही उम्मीद रखें जितना आप कर सकते हो, आप ओवर द बोर्ड जा रहे हो, आपके लिए जो पॉसिबल नहीं वो भी कर रहे हो, लेकिन उसको लग रहा है कि ये तो आपके लिए नॉर्मल है, आपने कोई प्रॉब्लम झेला ही नहीं, ये नॉर्मली आपने किया है, उसको दिख नहीं रहा कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए या फिर उसको स्पेशल फील कराने के लिए आप कितना हद से ज़्यादा कर रहे हो। मत करो, इतना मत करो कि उस वो नॉर्मल पे ले जाए इस चीज़ को, आपके लिए जो अबव एवरेज है वो उसके लिए एवरेज हो जाएगा, मत करो, कभी कभार की ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसे करोगे ना तो उसको ये स्टैंडर्ड मान लेगा या मान लेगी, और उसके बाद क्या होगा, जब भी आप कर नहीं पाओगे उतना, उसके लिए वो बिलो द स्टैंडर्ड होगा, और फिर दोनों में क्लैश लगना स्टार्ट होगा, शुरू में उसकी तरफ से झगड़े होंगे, फिर धीरे धीरे आपको भी लगेगा कि का क्या यार, उसके लिए इतना किया लेकिन देखो हमेशा झगड़ा ही करती रहती है या झगड़ा ही करता रहता है, छोड़ो नहीं करना है। तो ये 3 चीज़ों को मत करो, तब जाके आपका रिलेशन देखना बहुत स्ट्रांग रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग देखते हो वीडियो रेगुलरली लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, और कुछ सवाल हो तो कमेंट में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।